नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भंडार ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक, और मैं आना नहीं चाहता था, पर मुझे कुछ कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला है आने के लिए, तो मैं आज आया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो चैनल है एक्चुअली फ्रेंड्स, ये ओनली हमारा जो भी मैकेनिकल ट्रेड्स होता है, जो हमारा ITI रिलेटेड जो भी एग्जाम देता है, वो कॉलेज का एग्जाम भी क्यों ना हो। जैसे कि ITI कोई स्टार्टिंग से कोई शुरुआत ही कर रहा है, मानिए फर्स्ट ईयर है, वो फिटर का हो और या तो मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड का कोई भी ट्रेड हो फ्रेंड्स, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ जो प्रिपरेशन कर रहा है फ्रेंड, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मैं भी खुद कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना सारे भाई है, जितना सारे फ्रेंड्स है, मेरे पूरे भारतवासी है, सबके लिए मैं मेहनत करना चाहता हूँ, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं एक ही मेरा वे है कि मैं जिस वे से तैयारी करके मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिला है, तो देखिए सब तो बिजनेस नहीं कर सकता ना, जॉब भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे गवर्नमेंट जॉब मिलता है और किस टॉपिक को हम ज्यादा प्रिफर देंगे, किस टॉपिक को हम पढ़ाई करेंगे, तो हमको टेक्निकल का जो एक जॉब मुझे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल के साथ अगर आप रहोगे और मेरा वीडियो देखते रहोगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप जो भी एग्जाम दोगे, उस एग्जाम में आपका 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का हमारा नया टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, वो हमारा स्टील का ऊपर होगा। तो देखिए स्टील जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का ये एक टॉपिक है, ठीक है। तो हम स्टील में क्या क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। पहले तो पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे स्टील है क्या, इसका फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंट्रो। फिर हम सेकंड इसका पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसका यूजेस कहाँ पे कहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे फ्रेंड इसका, कैसे हम इसको, कौन से प्रोसेस से इसको निकलता है, तो वो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद उससे पहले हम पढ़ेंगे इसको फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो ये तीनों हम फर्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जगह हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टील क्या होता है ना, स्टील इज एन फंडामेंटली एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो मेनली आपको याद रखना है स्टील का सिंपली क्या है, जो दोनों का एलॉय होता है, एक होता है आयरन और एक होता है कार्बन। आयरन सबको पता है, कार्बन क्या होता है, कोक से मिलता है, ठीक। और इसका जो कार्बन परसेंटेज होता है मैक्सिमम 1.5 फ्रेंड, याद रखिएगा मैक्सिमम होता है हमारा 1.5% कार्बन, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 0.00182 या तो 0% समझ लीजिए, ठीक है, 0% मैक्सिमम 1.5% हमारा कार्बन होता है स्टील में। तो जनरली अगर हम स्टील की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जनरली हम उसको क्या बोलेंगे ना, प्लेन कार्बन स्टील और सिंपली कार्बन स्टील, ठीक है। कोई भी मानिए हम बोलेंगे कि स्टील, तो ओनली स्टील अगर कोई बोले फ्रेंड्स, मानिए यहाँ पे ओनली स्टील लिखा है, तो मानिए ये स्टील का मतलब ही है ओनली प्लेन कार्बन स्टील और सिंपली कार्बन स्टील। तो इसको कुछ कार्बन कंटेंट के वजह से इसको कुछ डिवाइडेड किया है। देखिए फ्रेंड, जेहेतु ये कार्बन का परसेंटेज अलग अलग होता है, यहाँ पे अप टू लिखा है, कार्बन कंटेंट जो होता है वो वेरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा नेम ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील, ये जो कलम दिया है फ्रेंड, इस कलम पे हमारा क्या है, स्टील का नेम है और यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ कौन से काम पे यूज होता है। तो देखिए ये नोट्स शॉर्ट है फ्रेंड्स, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट्स को नोट कर सकते हैं, पूरा कॉपी करके, और उसके साथ साथ मेरा वीडियो भी आप लास्ट तक देखो, तो पूरा आपको और भी ईजी लगेगा, ठीक है। बाद में आप जब पढ़ाई करोगे, जब भी नोट्स से देख के आप स्टडी करोगे, तो आपको पूरा ईजी लगेगा और याद भी रहेगा। ज़्यादातर क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप स्टोरी की तरह आप याद रख मतलब सुनते हो तो ज़्यादा याद होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट जो होता है वो डेड माइल्ड स्टील हम बोलते हैं, DMS बोल सकते हैं याद, ठीक है। तो डेड माइल्ड स्टील जो होता है
उसका क्या होता है, 0.12-0.15% उसका कार्बन परसेंटेज है, और ये हाईली डॉक्टाइल। क्योंकि डॉक्टाइल क्यों, क्योंकि इसका परसेंटेज जो कार्बन होता है बहुत लो है, लो परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम वायर बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टाइल तो वायर कन्वर्ट होगा उसका रॉड, थिन शीट्स हल्का, इसलिए मेलेबल भी है फ्रेंड, ठीक है, याद रखना है, मेलियाबल भी है, मेलियाबल। और सॉलिड ड्रोन ट्यूब, हम ट्यूब भी बना सकते हैं। तो इस किसके कारण ना, डेड माइल्ड स्टील का जो हमारा कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है। सेकंड देखिए लो कार्बन स्टील, ठीक है, और उसको माइल्ड स्टील एमएस बोलते हैं हम, एमएस फ्लैट बोलते हैं फ्रेंड, जो ज़्यादातर हम आईटीआई या तो डिप्लोमा में जो प्रैक्टिकल करते हैं फ्रेंड, वो एमएस फ्लैट का ही प्रैक्टिकल होता है, जो कि लो कार्बन स्टील, और उसका जो कार्बन परसेंटेज है 0.15-0.45%, ये कभी कभी एग्जाम पे आता है फ्रेंड, ठीक है, बहुत एग्जाम पे आता है ये। और रिलेटिवली ये क्या होता है ना, सॉफ्ट होता है, डॉक्टाइल भी होता है, क्योंकि इसका कार्बन परसेंटेज कम ही है फ्रेंड। और ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, और बॉयलर प्लेट है, ब्रिज वार, देखिएगा आप, लोहे का ब्रिज बना होता है रोड के ऊपर, तो उसका यूज होता है। स्ट्रक्चरल सेक्शन, कोई मतलब कुछ स्ट्रक्चर, कोई एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका। और ड्रॉप फॉर्जिंग के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब एक यूजफुल हो जाता है। फिर देख ली, नेक्स्ट देख लेते हैं मीडियम कार्बन स्टील फ्रेंड। मीडियम कार्बन स्टील क्या है, 0.45-0.8% हमारा 0.8% होता है कार्बन परसेंटेज, और ये यूज़ पर एक्सेल एक्सेल यूज के लिए यूज होता है, वायर एंड एग्रीकल्चर टूल। एग्रीकल्चर टूल हमारा कौन सा होता है, जो हम ट्रैक्टर के पीछे जो यूज़ करते हैं ना खेती बाड़ी करने के लिए, हल करने के लिए, वो सारा हमारा मीडियम कार्बन स्टील से बनाया होता है। लास्ट देखते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई का मतलब ही हमारा बहुत हाई लेवल का होता है, मतलब मैक्सिमम लेवल तक, तो 0.8-1.5% लास्ट तक। ये परसेंटेज आपको याद रखना है फ्रेंड, जितना सारे परसेंटेज है, 1, 2, 3, 4, ये 4 परसेंटेज आपको याद रखना है, ठीक है। तो और नेम के साथ साथ परसेंटेज याद रखना है, उसका यूजेस बस ये, अगर कलम और ये जो कोट मतलब ये जो नोट्स है, इसको अगर आप याद रखोगे तो आपका एग्जाम पे 1 मार्क कन्फर्म है, कोई भी एग्जाम में, ठीक है। और ये तो सिंपल ही होता है, सबको मतलब याद रखना चाहिए। तो लास्ट क्या, किसके लिए यूज होता है फ्रेंड, यूज फॉर मेकिंग कोल्ड स्टील प्रेस डाई पंच, जितना सारा हमारा कटिंग टूल्स है, हमारा हैंड फाइल है, ड्रिल्स है, गजेस है, सब कुछ हमारा हाई कार्बन स्टील से बना होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये छोटा सा वीडियो था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लाऊंगा इसका, स्टील का। ये तो इंट्रोडक्शन था फ्रेंड, अभी जो वीडियो आएगा इसका थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं ये अभी इंट्रोडक्शन के साथ साथ यूजेस भी हो गया, ये दोनों हो गया, अभी लाने वाला स्ट्रक्चर, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट करके बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा छोटा हो रहा है, पर जो स्ट्रक्चर का वीडियो होने वाला है वो थोड़ा बहुत बड़ा साइज में होने वाला है, मिनिमम 20 से 25 मिनट तक वीडियो होने वाला है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, कोई भी वीडियो आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।